चीन की इस्तेदादे कोरोना वैक्सीन अब मुतहदा अरब इमारात में भी तैयार होगी। अमराती कंपनी अप्रैल में साइनोफार्म वैक्सीन की कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज करेगी। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि कम कीमत वैक्सीन के लिए मुतहदा अरब इमारात से मिलकर काम करना चाहते हैं। मस्जिदुल हराम में इस साल तरावी की नमाज 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। इस साल एतकाफ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नए अहकामात का ऐलान हरमैन शरीफैन अमूर के सरबराह अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी मुकर्रर करदा जगहों पर अदा की जा सकेगी। मताफ में सिर्फ उम्रा जायरीन को जाने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में पहली बार तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। वज़ीरे आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग से मुतल्लिक टेलीथोन में गुफ्तगू। बोले लोग किराए की रकम से किस्तें देकर घर के मालिक बन सकेंगे। पूरी दुनिया में लोग बैंकों से कर्ज लेकर घर खरीदते हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा निज़ाम लाया गया है। लोगों को मुश्किल आ रही है, बैंकों को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। पिछली हुकूमतों के मंसूबे अमीरों के लिए थे। शिबली फराज का कहना है नया पाकिस्तान हाउसिंग इनके लिए है जो अपने घर का सोच भी नहीं सकते थे। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अनवर अली हैदर बोले कम लागत घरों के लिए माहौल साजगार बनाया, स्कीम मजीद आसान बना रहे हैं। कम लागत घरों की तामीर और फराहमी शुरू हो चुकी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा कि बैंकों से तामीराती कामों के लिए कर्जे 42 अरब से बढ़ चुके। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लॉकडाउन करके पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। अवाम SOPs पर अमल करें, मास्क पहने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कारोबार और फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते। वसाइल इतने नहीं कि मुल्क बंद करके लोगों को खाना दे सकें।